हेलो एवरीवन, वेलकम है एपेक्स इंस्टीट्यूट के आज की क्लास में। सो आज कैरेक्टर्स जो थे उनकी लिस्ट को फॉरवर्ड आगे बढ़ाते हैं। आज द पिजन पे डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ तो ये समझिए, जो द पिजन है ये फोर एक्ट प्ले है, पहली चीज़। दूसरा, ये आइसलैंड फ्रेजेस जो फ्रेजेस इनका प्ले था, सॉरी वर्क था, उस वर्क का ही ये इन्होंने एक और नया, मतलब जॉन गाल्स वर्दी की आदत थी कि वो हर प्ले को, हर नॉवेल को मॉडिफाई करके न्यू टाइप में प्रेजेंट करते थे किसी और के वर्क को। इन्होंने अपने ही वर्क्स में एक्सपेरिमेंट्स किया और आइसलैंड फ्रेजेस की को नया रूप देकर द पिजन के रूप में 1912 में प्रस्तुत किया। ठीक है, तो कैरेक्टर्स पढ़ लेते हैं। क्रिस्टोफर विलवाइन ये एक आर्टिस्ट हैं द पिजन में। ठीक है, आपको स्टोरी से मतलब नहीं है, इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है, सिर्फ आप ये इसके कैरेक्टर्स लर्न कर लीजिए। क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम में, क्रिस्टोफर विलवाइन ये किस वर्क में है, तो द पिजन में है। ठीक है, और ये क्या थे, आर्टिस्ट हैं। एन एन उनकी बेटी है, हिज डॉटर। गिवेनियर मेगन ये कौन था, ये एक फ्लावर सेलर था। गिवेनियर मेगन एक फ्लावर सेलर था। रॉरी मेगन उनके हस्बैंड थे। फेरेंड कौन थे, एन एलियन थी फेरेंड। टिम सॉन कौन था, अ कैब मैन, जो कैब होता है उसको चलाते थे। एडवर्ड बर्टले ये कैनन था। सर थॉमस हॉक्सटॉन अ जस्टिस ऑफ द पीस, सर थॉमस हॉक्सटॉन कौन थे, पीस के जस्टिस थे। अल्फ्रेड कॉलवे ये एक प्रोफेसर थे। सारे कैरेक्टर्स एक बार रिपीट कर लीजिए। क्रिस्टोफर वर्विन बिलोंग्स टू पिजन, एन बिलोंग्स टू पिजन, गिवेनवर मेगन बिलोंग्स टू पिजन, रॉरी मेगन बिलोंग्स टू प्रिजन, फेरेंड बिलोंग्स टू प्रिजन, टेम्सॉन बिलोंग्स टू प्रिजन, एडवर्ड बर्टले बिलोंग्स टू प्रिजन, सर थॉमस हॉक्सटॉन बिलोंग्स टू प्रिजन, अल्फ्रेड कैलवे ये भी प्रिजन से बिलोंग्स थे। ठीक है, अगर आपने ऐसे ही सिर्फ इसको सुन लिया दो तीन बार तो वो कैरेक्टर्स याद हो जाएंगे, दो या तीन नंबर को तो डैम श्योर आता ही है। ठीक है, नेक्स्ट वर्क द मॉब। द मॉब में फर्स्ट कैरेक्टर इज स्टेफन मोरे। ये स्टेफन मोरे कौन थे, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। पार्लियामेंट नीचे आ गया, डोंट बी मिसगाइड विद दिस। ठीक है, कैथरीन कौन थी, ये स्टेफन मोरे की वाइफ थी। ठीक, ओलिव कौन थे, देयर लिटिल डॉटर थी, किसकी, स्टेफन मोरे और कैथरीन की छोटी सी बेटी थी। नेक्स्ट है द डीन ऑफ स्टोर, ये कैथरीन के अंकल थे। द डीन ऑफ स्टोर कैथरीन के अंकल थे। जनरल सर जॉन जूलियन ये क्या थे, उनके पिताजी थे कैथरीन के। ठीक है, कैप्टन रॉबर्ट जूलियन उनके भाई थे। हेलन कौन थी, हेलन कैप्टन रॉबर्ट जूलियन की वाइफ थी हेलन। एडवर्ड मैंडिप ये कौन थे, एडिटर ऑफ द पार्थेनन। एडवर्ड मैंडिप एडिटर ऑफ द पार्थेनन थे। ये द मॉब के कैरेक्टर्स हैं। ऐसे आ सकता है कि मॉब में एडिटर ऑफ द पार्थेनन कौन थे, तो एडवर्ड मैंडिप थे। एलन स्टील कौन थे, मॉर्स सेक्रेटरी थे। ठीक, जेम्स होम कौन थे, एक आर्किटेक्ट थे। क्वेश्चन आ सकता है कि मॉब में आर्किटेक्ट का रोल किसने प्ले किया, तो जेम्स होम। ठीक, नेक्स्ट सॉलिसिटर कौन था उसमें, चार्ल्स सेल्डर थे। नेक्स्ट है एक बुक सेलर थे जिनका नाम मार्क वेस था। बुक सेलर कौन थे, मार्क वेस। और एक मैन्युफैक्चरर थे विलियम बैनिंग। सारे कैरेक्टर एक बार रिपीट कर लेते हैं, अदरवाइज माइंड से स्किप हो जाएगा। द मॉब स्टेफन मोरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेफन मोरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दो बार बोलिए। कैथरीन हिज वाइफ, किसकी वाइफ थी, स्टेफन मोरे की वाइफ का क्या नाम था, कैथरीन। ओलिव कौन थी, स्टेफन मोरे और कैथरीन की बेटी थी। ठीक, द डीन ऑफ स्टोर कौन थे, कैथरीन के अंकल थे। कैथरीन और स्टेफन मोरे हस्बैंड वाइफ थे, इनकी एक बेटी थी जिसका नाम ओलिव था। डीन ऑफ स्टोर इनके अंकल थे। जनरल सर जॉन जूलियन उनके पिताजी थे। कैप्टन रॉबर्ट जूलियन उनके भाई थे। ठीक, ये इनकी फैमिली हो गई। और कैप्टन रॉबर्ट जूलियन जो उनके भाई थे, उनकी वाइफ का नाम हेलन था। एडवर्ड मैंडिप कौन थे, एडिटर ऑफ पार्थेनन थे। एलन स्टील मोर सेक्रेटरी, यानी मोर कौन थे, स्टेफन मोर के सेक्रेटरी कौन थे, एडवर्ड मैंडिप, सॉरी एलन स्टील। इसके बाद एक आर्किटेक्ट का रोल प्ले किया जेम्स होम ने, और एक सॉलिसिटर थे जो चार्ल्स शेल्डर थे। सॉलिसिटर कौन थे, चार्ल्स शेल्डर।
बुक सेलर भी थे एक जिनका नाम मार्क वेस था। बुक सेलर कौन थे? मार्क वेस था। मैन्युफैक्चरर कौन थे? विलियम बैनिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरर विलियम बैनिंग थे। ठीक है, अब नेक्स्ट में इनके और जो भी वर्क्स हैं, प्लेज हैं, उनके कैरेक्टर्स की लिस्ट आई विल अपलोड टिल टुमारो। ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक करिए। थैंक यू।